आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.1 लास्ट वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट्स एंड सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1 एंड रिलेटेड टू लिमिट्स इसके क्वेश्चंस ऐसे हमने बताया था। अब आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम में जैसे हमने क्वेश्चन 23 को पिकअप किया है यहाँ पर और 23 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। सबसे पहले बात अब आपको यह देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है यानी 0 पर यदि आपका फंक्शन आपका ऐसा डिफाइन है कि 2x + 3 ये लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन है और उस केस में है जब x की वैल्यू आपका लेस देन आर इक्वल टू 0 ये सिग्मा फंक्शन कहलाते हैं। सेकंड केस में आपका डिफाइन है जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है ऐसे केस में या आप x की वैल्यू है 3 इन ब्रैकेट x + 1 तो ये जो लिमिट्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब आप अपने बेसिक कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है यदि आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 0 पर बात कर रहे हैं यदि a पॉइंट है तो आप a पर बात करेंगे जो भी पॉइंट आपका दिया रहेगा उस पर बात करेंगे या हाफ x इक्वल टू या हाफ 0 यदि ऐसा है और इसका मीनिंग होता है LHL इक्वल टू RHL द मीनिंग ऑफ LHL लेफ्ट हैंडेड लिमिट और RHL का मतलब राइट हैंडेड लिमिट। यहां पर जैसे आपका LHL हमने लिया और पहला क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया और क्या करते हैं 0 के लेफ्ट साइड में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x टेंड्स टू 0 नेगेटिव या हाफ x इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2x + 3 क्योंकि आप क्या फंक्शन लेंगे यहां पर यदि आपकी वैल्यू 0 से लेफ्ट में है या 0 के इक्वल टू है तो फंक्शन आपका डिफाइन है या आप x इक्वल टू 2x + 3। अब आपको यह ध्यान देना है एक चीज आप दिमाग में रख लेंगे यदि 0 नेगेटिव यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया और यदि 0 नेगेटिव है तो 0 माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 पॉजिटिव है तो 0 + h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या किया हमने यहां पर x इक्वल टू 0 माइनस h यहां पर यह क्या है h इज ग्रेटर देन 0 बट h इज वेरी वेरी लेस देन 1 ये आपका क्या है अप्रोक्सीमेटली 0 लेकिन 0 से ग्रेटर देन है और 1 से बहुत आप ऐसे कह सकते हैं जनरल सब कुछ के लिए कि h की वैल्यू 0.00001 मे बी एज भी सपोज किया बट यू शुड नो आपको ये जानना यहाँ पर है यह एक स्मॉल इंक्रीमेंट है कुछ राइटर इसको डायरेक्ट से भी नोट करते हैं जो x के लिए कार्य आता है x के लिए आप जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं और y के लिए डेल y या k को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं सो एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा आपको यदि आप 0 नेगेटिव रख रहे हैं तो h की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 मिलेगी सिमिलरली RHL में आपको ध्यान देना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव या हाफ x RHL में आप देख रहे हैं कि जब x 0 में पॉजिटिव वैल्यू आप लेंगे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव तो x 0 से ज्यादा है ऐसे केस में आपका फंक्शन डिफाइन है 3 इन ब्रैकेट x + 1 यहां पर हमने क्या लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव में आपको यह देखना है कि जब आपका 0 पॉजिटिव है ऐसे केसेस में फंक्शन की वैल्यू 3 इन ब्रैकेट x + 1 यहां आपने 0 पॉजिटिव 3 इन ब्रैकेट x + 1 इट मींस वी राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव
एंड 3x प्लस 3। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह 0 प्लस h, यह हमने सब्स्टिट्यूट किया पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, l लिमिट x टेंड्स टू 0 पर q, दैट इंप्लाइज दैट x टेंड्स टू 0, यहां 0 रखेंगे तो h की वैल्यू आपको 0 आ गई। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 ब्रैकेट 0 प्लस h प्लस 3, अब ये 0 पुट करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा आपका और 3 हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। एंड नेक्स्ट या बाप जीरो, या बाप जीरो की वैल्यू फ्रैक्शन में आपका 2x प्लस 3 है, सो 2 इनटू 0 प्लस 3 एंड फाइनली वी गेट इट इज इक्वल टू 3। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव या बाप x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव या बाप x इज इक्वल टू या बाप 0 एंड द वैल्यू ऑफ इट इज इक्वल टू 3, दैट इज इन अदर वर्ड्स लिमिट x टेंड्स टू 0 या बाप x इक्वल टू या बाप 0 के इक्वल है और इसकी वैल्यू आपकी 3 है। That is limit x tends to 0 या बाप x equal to 3। Now second part में आप जैसे देख रहे हैं we need to find limit या बाप x tends to 1। अब आप देखेंगे जब 0 से greater than है तो function आपका define है 3 in bracket x plus 1। So limit x tends to 1 negative या बाप x 1 negative यानी LHL आप ले रहे हैं left handed limit, in this case limit x tends to 1 negative and the value of y of x here 3 in bracket x plus 1। अब आपने क्या किया bracket तोड़ दिया तो 3x plus 3 हो गया और 1 negative में जैसा आप substitute करते हैं negative में है तो 1 minus h, ये substitute आपने किया put x equal to 1 minus h, अब limit भी आप बदलेंगे तो x tends to 1 negative, 1 आप यहां negative put करेंगे तो imply that x tends to 0, so limit x tends to 0 3 और x की जगह आपने put किया 1 minus h plus आपका 3 हो गया। अब applying the limit it means h is equal to 0 यदि आप put करते हैं तो 3 plus 3 and the value of LHL is equal to 6, it is the first equation। Similarly, for RHL, limit x tends to 1 positive of half x, limit x tends to 1 positive, 3 in bracket x plus 1, and here 3x plus 3, now we substitute similar as x is equal to 1 plus h, and as x tends to 1 positive, then we get h tends to 0, ये 1 positive, 1 minus 1, यहां पर आप limit substitute करते हैं, और ऐसे केस में आप h की लिमिट फाइंड करते हैं। ऑन दिस वे लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस h प्लस 3, अब आप अप्लाई द लिमिट इट मींस h की जगह आप 0 पुट करेंगे देन 3 प्लस 3 वी आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ RHL इज इक्वल टू 6, इट इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ सी द वैल्यू ऑफ या पार्ट 1, सभी केसेस में आपका x इज ग्रेटर देन 0 है और 1 जो आपका x इज ग्रेटर देन 0 है, सो 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 एंड 3 टू द 6, हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इट इज योर थर्ड इक्वेशन वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू या पाप 1 इक्वल टू 6, ये तीनों की वैल्यू इक्वल है। यदि ये इक्वल नहीं होता है तो आप कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हियर। So, in finally, we can say that the value of limit x tends to 1 या पाप x equal to 6 is answer of this question। Next question हमने 25 लिया, अब आपको इसी वे में करना है। 25 question जैसे आपका है limit x tends to 0 या पाप x, इसकी value find करना है, जबकि आपके पास given है या पाप x equal to modulus of x divided by x, x is not equal to 0, and here 0, if x is equal to 0, ये function आपका ऐसा दिखाएं। Modulus cases में आपके पास दो case arise हो सकते हैं, जैसे modulus of x की value, आप lower class वगैरह में भी पढ़े हैं, negative x, if x is less than 0, and positive x, if x is greater than 0, इसका magnitude आपका मॉडुलस ऑफ x जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए यहां पर
हम दिए हुए फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि if x is less than 0, then we get the value of x minus x divided by x, and if x is greater than 0, then we get x divided by x, and it is at well at right here. जैसा लिखा है यहाँ वैसे ही हमने इसको लिख दिया, x is equal to 0, 0 है. अब ये जैसे x से x कैंसिल हुआ, माइनस वन आपको मिला जब वैल्यू आपका x इज ग्रेटर लेस देन 0 है, वन मिला जब आपका x इज ग्रेटर देन 0 है, और 0 मिला जब आपका x इज इक्वल टू 0 है. ये फंक्शन आपका 0 पर डिफाइन है. अब इस केस में आपको ये बताना है कि ये डिफाइन है ऐसा फंक्शन तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में रहेंगे, यदि LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के इक्वल है, I इक्वल टू या पाप 0 है, देन लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट. यहां हमने LHS लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव या पाप x. अब 0 नेगेटिव इट मींस लेस देन ऑफ 0, सो हमने यहां पर लिया इसकी वैल्यू है आपकी -1. जब यहां पर -1 लिया तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहां पर x है ही नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू इफ वी अप्लाई द लिमिट माने सब्स्टिट्यूट भी करेंगे 0 माइनस x, इन ऑल केसेस वी विल गेट हियर इट इज इक्वल टू -1. यहां पर x है ही नहीं, इसलिए हमने इसको लिख दिया कि कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए LHS की वैल्यू -1 हो गई. सिमिलरली RHS की जो वैल्यू हो गई या f(x), यहां पर जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो आपके f ऑफ x की वैल्यू 1 है, इसको भी हमने 1 लिख दिया, एंड इट इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड. एंड इन थर्ड केस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 थर्ड. सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0. फाइनली फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कंक्लूड दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 या f(x) does not exist at x equal to 0 is the answer of this question. Now see your next problem, question 28. f(x) is equal to a plus bx when x is less than 1, for if x is equal to 1 at b minus x, x is greater than 1, we need also in this event limit x tends to 1 f(x) is equal to f(1), we need what will be the value of a and b here. अब जैसा आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि लिमिट x टेंड्स टू 1 या f(x) इक्वल टू या f(1) a और b की वैल्यू फाइंड करना है, यहां पर हमने जो गिवन है उसको लिखा. अब इसका मीनिंग होता है कि LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के इक्वल है और या f(1) इक्वल है, ये लिमिट के कांसेप्ट से जैसा डिफाइन होता है वैसा हमने लिखा. अब ये देखेंगे 1 नेगेटिव पर इसकी वैल्यू है a plus bx, तो हमने फंक्शन की वैल्यू a plus bx लिखा. 1 पर b पर आपकी वैल्यू है b minus ax, हमने b minus ax लिखा. and at x equal to 1 या f(x) equal to 4, वहां पर हमने 4 लिखा. इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब हम फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को ले रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट से आप क्या पाया आपने, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव a plus bx equal to 4. अब LHS है, हमने x tends to 1 negative substitute भी करेंगे, तो वही आपका put x equal to 1 minus h and x tends to 1 negative, ये implies that h tends to 0. तो यहाँ पर x की जगह हमने 1 minus h put कर दिया और x tends to 0 ले दिया, ये small increment है हमारा x. and after applying the limit, h की जगह आपने जब 0 put किया तो b1 का b और ये 0, a plus b equal to 4 is your second equation. Similarly, RHS limit x tends to 1 positive, b a minus x equal to 4, यानि आपने second और third part को लिया. अब ये 1 positive है, तो 1 plus h हमने x की जगह put कर दिया, b minus a in bracket 1 plus h, ये part और ये part आप दे रहे हैं यहाँ पर. अब जब आपने लिमिट अप्लाई कर दिया तो h की जगह जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b minus a equal to 4, इट इज योर थर्ड इक्वेशन. सेकंड और थर्ड को आपने सॉल्व किया, सेकंड से आपने पाया a plus b equal to 4, थर्ड से आपने b minus a equal to 4, by adding we get a से a cancel to b equal to 8, so the value of b equal to 4, and
पुट द वैल्यू ऑफ बी इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप बी की वैल्यू पुट करेंगे, जब 4 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a = 0। इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स।